आपका ओरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में देखना है डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल कंपैरेटर एंड इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर। इसके पहले मैंने ऑलरेडी कंपैरेटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपैरेटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कंपैरेटर, सोलेक्स न्यूमेटिक कंपैरेटर, सिग्मा कंपैरेटर, इन सारों के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए। उसमें से कुछ वीडियो के मैं आपको लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक कमेंट करके मुझे बताइए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और डिस क्यों नहीं अच्छा लगा वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आज के। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, जैसे आपका मुझे आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ, पहले पैरामीटर लिखता हूँ फिर डिफरेंस उसके हिसाब से मैं करता हूँ। तो यहाँ पे पैरामीटर है मैकेनिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर। तो आपका पहला पैरामीटर क्या है, मूविंग पार्ट्स है। मूविंग पार्ट्स के लिए आपको आपको एक कंसेप्ट या इमेज आपके सामने लानी है डायल इंडिकेटर की, मैकेनिकल कंपैरेटर के बारे में, और इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर में क्या करना है आपको, ये इमेज आपके सामने रखनी है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, मूविंग पार्ट्स। आपको पता है डायल इंडिकेटर के अंदर क्या होता है कि गियर एंड पिनियन रहते हैं, एक ही शाफ्ट पे माउंट किए वाले। इसमें अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। जब आप इसको प्लंजर को मूव करते हो तो उसके अंदर गियर एंड पिनियन रोटेट होते हैं, और फिर आपका पॉइंटर क्या होता है, मूव होता है। तो मतलब क्या है कि मोर नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स है, इसके वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन ज़्यादा होने से वजह से वियर एंड टीयर ज़्यादा होता है, तो अल्टीमेटली आपका एक्यूरेसी क्या हो जाता है, उसमें कम हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर में मूविंग पार्ट्स कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे खाली दो आपके पॉइंटर रहते हैं कि जो कहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे जॉब प्लेस किया तो वो क्या होते हैं, तो अंदर मूवमेंट होती है, मतलब अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी मूविंग पार्ट्स नहीं, यहाँ पे LEDs है। वो जैसे LED ग्लो होंगे आपको पता चलता है कि आपकी जॉब का साइज़ क्या है। तो नो मूविंग पार्ट्स, तो आपका एक्यूरेसी अच्छा आएगा, पहला पॉइंट हो गया। अभी सेकंड पॉइंट है पावर सप्लाई। अभी यहाँ पे कुछ पावर सप्लाई की ज़रूरत है क्या, नहीं है। आपको अगर डायल इंडिकेटर एज ए मैकेनिकल कंपैरेटर यूज़ करना है तो आपको खाली डायल स्टैंड और डायल इंडिकेटर लगता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई, तो क्या होगा, नो इफेक्ट ऑफ वेरिएशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ही नहीं होता है तो आपका जो एक्यूरेसी है वो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में वेरिएशन आएगा तो आपका एक्यूरेसी चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन आया या वोल्टेज में कुछ डिफरेंस आया तो आपका एक्यूरेसी चेंज होगा या अफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है पोर्टेबल एंड कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देख सकते हो आप, आपका जो डायल इंडिकेटर है छोटा सा रहता है, पोर्टेबल, आप किधर भी उसको लेके जा सकते हो और मेजरमेंट कर सकते हो, और कॉस्ट भी कम रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पोर्टेबल नहीं है। क्यों पोर्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हो, उसको पकड़ते हो और जॉब के अंदर इंसर्ट करते हो, और ये जो आपका LED का स्क्रीन LED है आपके सामने रहता है, तो आपको एक डिवाइस यहाँ पे और एक डिवाइस सामने है, तो ये पोर्टेबल नहीं है। उसके बाद वाइब्रेशन। अभी जैसे यहाँ पे बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है, उनका खुद का कुछ इनर्शिया रहेगा, और उसकी वजह से क्या है, ये जो मैकेनिकल कंपैरेटर है ये सेंसिटिव टू वाइब्रेशन होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसका आपका जो पॉइंटर है वो खुद लाइट वेट होता है, इसकी वजह से वो सेंसिटिव टू वाइब्रेशन नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रेंज। अभी रेंज का बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका अंदर प्रेशर पॉइंटर रहता है, वो जीरो पे रहता है, मतलब जीरो से लेके 10 तक उसका मूवमेंट होता है। सेम यहाँ पे जीरो से लेके 10 तक होता है। आपका प्लंजर का जितना मूवमेंट है उतना ही आप मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन होता है, तो वाइड रेंज ऑफ मैग्नीफिकेशन है यहाँ पे, तो बस इतना ही है, वाइड रेंज ऑफ मैग्नीफिकेशन, और इसका ये जो स्केल है वो फिक्स है, इसकी वजह से इसका रेंज क्या है, लिमिटेड है। बस ये ऐसे टोटल वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।